फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे जी, जो कि SST मास्टर कैडर एग्जाम आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन्हें जरूर कर लियो। ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ने, इन्हें जरूर करो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। ठीक है जी, तो आप शुरू करते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है वह है, वित्त आयोग के मैंबर की योग्यता का निर्धारण निम्नलिखित विचों कौन करता है? तो जो वित्त आयोग होंगे जी, उसके जो मैंबर होंगे ने, उन्होंने योग्यता का जो निर्धारण है जी, वह कौन करता है? तो ए ऑप्शन है जी राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो कौन करता है जी वित्त आयोग के मैंबर की योग्यता का निर्धारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी, वह होगा बी ऑप्शन, संसद। ठीक है जी, वित्त आयोग के मैंबर की योग्यता का निर्धारण संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों केड़ा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन की गल करता है? तो इन्हों के केड़ा अनुच्छेद है जी जो वित्त आयोग के गठन की गल करता है? तो ए ऑप्शन है जी अनुच्छेद 280, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 275, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 148, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 176। तो केड़ा अनुच्छेद है जी जिहड़ा वित्त आयोग के गठन की गल करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 280। ठीक है जी, अनुच्छेद 280 जिहड़ा है जी वह वित्त आयोग के गठन की गल करता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, वित्त आयोग के निम्नलिखित विचों किन्ने मैंबर होंगे? तो जो वित्त आयोग है जी, इस जो मैंबर ने जी किन्ने होंगे? तो ए ऑप्शन है जी 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो वित्त आयोग के जो मैंबर ने जी वो किन्ने होंगे? तो इसके मैंबर होंगे, तो राइट आंसर होगा जी बी ऑप्शन, 4 मैंबर। ठीक है जी, वित्त आयोग के 4 मैंबर होंगे, तो एक जो होंगे जी चेयरमैन होंगे है। ठीक है जी, वित्त आयोग के 4 मैंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चौदहवें वित्त आयोग बारे निम्नलिखित विचों केड़ा कथन सही नहीं है? तो जरा 14th फाइनेंस कमीशन जी जरा 14वां जो है वित्त आयोग है उस बारे केड़ा कथन सही नहीं है जी इन्होंने विचों? तो ए ऑप्शन है जी 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 तो 2020 तक का है, बी ऑप्शन है इसने कर हिस्सेदारी विच राज्यां दा हिस्सा 42% करन दी संतुति दित्ती है दित्ती सी, सी ऑप्शन है कुल करां दा सब तो ज़्यादा कर दा हिस्सा महाराष्ट्र नूं दित्ता गया सी, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर नूं कुल करां दा 1.85% हिस्सा दित्ता गया सी। तो इन्हां विचों कहड़ा कथन है जी जिहड़ा सही नहीं है ते बाकी सही हन? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा जी वह होगा सी ऑप्शन, कुल करां दा सब तो ज़्यादा कर दा हिस्सा महाराष्ट्र नूं दित्ता गया सी, यह जिहड़ा कथन है जी यह गलत है। ठीक है जी, कुल करां दा जिहड़ा सब तो ज़्यादा करां दा हिस्सा है जी वह महाराष्ट्र नूं दित्ता गया सी, उत्तर प्रदेश नूं दित्ता गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हुण तक किन्ने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो हुण तक की गल करिए वित्त आयोग किन्ने ने जी जिन्हों गठन किया गया है, जिसका गठन किया गया है, गठित किए जा चुके हैं? ए ऑप्शन है जी 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 15। तो किन्ने वित्त आयोग का गठित किए जा चुके हैं जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। ठीक है जी, हुण इस टाइम 15वां चल रहा है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित विचों किसनों सौंपता है? तो जो वित्त आयोग है जी अपनी रिपोर्ट किसनों सौंपता होंदा है? तो ए ऑप्शन है जी संसद, बी ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसनों सौंपता है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति नूं, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति नूं सौंपता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों कौन वित्त आयोग का चेयरमैन कदे भी नहीं रहा है? तो निम्नलिखित विचों कौन सी जी जिहड़ा कि वित्त आयोग का चेयरमैन कदे भी नहीं रहा? तो ए ऑप्शन है जी प्रणब मुखर्जी,
बी ऑप्शन है महावीर त्यागी, सी ऑप्शन है सी रंगराजन, डी ऑप्शन है ब्रह्मानंद रेड्डी। तो कौन सी जी जिहड़ा कि वित्त आयोग का चेयरमैन कदे भी नहीं रहा। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा जी वह होगा ए ऑप्शन प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी, प्रणब मुखर्जी जिहड़ा है जी वित्त आयोग के चेयरमैन कदे नहीं रहा, बाकी जिहड़े तीन ने जी वह वित्त आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों केड़ा कथन सही नहीं है। तो इन्हों विचों दसना है जी केड़ा कथन है जी जिहड़ा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है जी पहला वित्त आयोग का गठन 1951 विच किया गया सी, बी ऑप्शन अनुच्छेद 281 संबंध वित्त आयोग का नियंत्रण करना है, सी ऑप्शन है वित्त आयोग की सिफारिशा केंद्र सरकार के लिए सलाहकारी होंदिया हन, डी ऑप्शन है वित्त आयोग का गठन 6 साल लिए किया जाता है। तो केड़ा ऑप्शन है जी जिहड़ा कि गलत है, कथन गलत है जिहड़ा। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा जी वह होगा डी ऑप्शन वित्त आयोग का गठन 6 साल लिए किया जाता है। ये जो कथन है जी यह गलत है, क्योंकि जोड़ा गठन है जी वह वित्त आयोग का गठन 6 साल लिए नहीं 5 साल लिए किया जाता है। बाकी तीन जोड़े ऑप्शन है जी सही ने, जोड़ा डी ऑप्शन है जी यह गलत है। तो इस ये कथन है जी गलत है, सही ऑप्शन होगा इसका जोड़ा है जी वह है 6 साल की जगह 5 साल लिए गठन किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, राज्यां नूं करां विच हिस्सा देण लई वित्त आयोग ने किस मापदंड नूं ध्यान विच नहीं रखिया है। तो राज्यां नूं करां विच हिस्सा देण लई वित्त आयोग ने जिहड़ा मापदंड है जी ध्यान विच नहीं रखिया है वह किहड़ा है। तो ए ऑप्शन है जी राज विच जनसंख्या विच बदलाव, बी ऑप्शन है राज विच वण खेत्र, सी ऑप्शन है राज विच आमदन असमानता, डी ऑप्शन है राज विच सिक्ख्या दा पद्धर। तो राज्यां नूं करां विच हिस्सा देण लई वित्त आयोग ने किहड़ा मापदंड है जी जिस नूं ध्यान विच नहीं रखिया है। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होवेगा वह होवेगा डी ऑप्शन राज विच सिक्ख्या दा पद्धर। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, भारत विच वित्त आयोग की स्थापना निम्नलिखित विचों कौन करता है। तो भारत विच जिहड़ा वित्त आयोग है जी उसकी स्थापना कौन करता है इन्हां विचों। तो ए ऑप्शन है जी राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति। ठीक है जी, भारत में वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करता है यानी कि प्रेजिडेंट करता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने जो कि SST के मास्टर ग्रेड एग्जाम आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कर लियो इन्हों। ठीक है जी, तो इस अलावा मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर दियो, बैल आइकन भी प्रेस कर दियो ताकि जरा वीडियो का नोटिफिकेशन है जी वह पहला मिलता रहे। ठीक है जी, तो इस अलावा जो कोई क्वेश्चन होवे तुहाडे कोल या कोई क्वेरी होवे तो तुसीं मैनूं कमेंट विच पुछ सकदे हो, मैं तुहानूं रिप्लाई करन दी कोशिश करांगा। ठीक है जी, तो आपां मिलदे हां जी नैक्सट वीडियो विच कुछ होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे नाल। उदों तक लई थैंक यू।